आप सभी को नमस्कार। आज जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं, ये सभी और किसी भी प्रकार के बिजनेस में आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। बिजनेस में मूलतः पैसे का आदान और प्रदान ही होता है और सभी प्रकार के पैसे की लेन देन का रिकॉर्ड आप डिपार्टमेंट वाइज भी रख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितना पैसे का लेन देन हुआ है। सॉफ्टवेयर शुरू करने के लिए सॉफ्टवेयर आइकॉन पर क्लिक करके उसके बाद यूजर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। सॉफ्टवेयर मेन स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप जर्नल टैब पर क्लिक करेंगे। पार्टी नाम के सामने न्यू पर क्लिक करेंगे नया अकाउंट बनाने के लिए। प्रत्येक पार्टी अकाउंट बनाने के लिए इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे और सभी का डिपार्टमेंट भी निर्धारित कर सकते हैं। डिपार्टमेंट बनाने के लिए डिपार्टमेंट के सामने न्यू पर क्लिक करेंगे। डिपार्टमेंट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इस ऑप्शन में आप सभी डिपार्टमेंट बना सकते हैं। पार्टी अकाउंट बनाने के लिए पहले न्यू पर क्लिक करके उसके बाद डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर डालकर सेव करना है। अब आप पार्टी से कितना पैसा लिया है या दिया है उसकी जर्नल एंट्री कर सकते हैं। जर्नल एंट्री के लिए न्यू पर क्लिक करना है। अकाउंट सेलेक्ट करके उसकी एंट्री करनी है। आप इसमें वाउचर एंट्री जो कर रहे उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको वाउचर नंबर डालना है, फिर प्रिंट पर क्लिक करना है। वाउचर प्रिंट हो जाएगा। आप इस सॉफ्टवेयर में सर्च ऑप्शन में जाकर किसी भी वाउचर को सर्च भी कर सकते हैं। आप रिपोर्ट ऑप्शन में जाकर सभी तरह की रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं। इसमें पार्टी अकाउंट डिटेल, किस डेट से कहां तक जितनी भी वाउचर एंट्री हुई है उसको प्रिंट कर सकते हैं। जर्नल रजिस्टर में जाकर सभी तरह के वाउचर की जर्नल एंट्री भी देख सकते हैं। पार्टी दूज स्टेटमेंट में सभी पार्टी का दूज बैलेंस या क्रेडिट डेबिट बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। डिपार्टमेंट डिटेल में जाकर किस डिपार्टमेंट में क्या एंट्री हुई है वो डिपार्टमेंट वाइज चेक कर सकते हैं या सभी डिपार्टमेंट को एक साथ भी देख सकते हैं। आपको हमारा सॉफ्टवेयर कैसा लगा? प्लीज शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।